तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये दो खड़ी रेखाएं दी गई है ना, इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। और आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले मॉड्यूल्स को हटाना होगा। और आपको पता है जब मॉड्यूल्स है ना लग जाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस की वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी आप इस मॉड्यूल्स को हटाओगे तो लिखोगे मॉड्यूल्स को हटाने पर, और मॉड्यूल्स को हटाओगे तो आप एक पर तो इसके आगे प्लस का चिन्ह यूज करोगे और एक बार इसके आगे करोगे माइनस का चिन्ह यूज। आया समझ में? मॉड्यूल्स मीन्स इसमें प्लस माइनस की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब आप अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो आपकी एसएमई का ये बनेगी नंबर वन, और इसको खोलोगे तो ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह पलटेगा, एक एसएमई का ये बनेगी। आया समझ में? और आप जब एसएमई का को सोल्व करते हैं तो आप सबसे पहले इनको समीकरण के रूप में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण के रूप में रखने पर। तो हम पहले लिख रहे हैं वाई माइनस एक्स बराबर तीन, और इसकी सहायता से बना लेते हैं टेबल नंबर एक, तालिका एक बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो, रखते हैं एक्स बराबर जीरो रख लें, तो y माइनस एक्स की जगह जीरो बराबर तीन, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तीन। तो x की वैल्यू जीरो रखी, y की कितनी आई? तीन। दूसरा x बराबर एक रख लेते हैं, तो y माइनस एक बराबर तीन, एक इधर का क्या हो जाएगा? प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? चार। तो x की एक रखी, y की चार। फिर और रखते हैं, x बराबर दो रख ले, तो y माइनस दो बराबर तीन, तीन दो इधर आकर प्लस का, y की वैल्यू आ गई पांच। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? अब दूसरी एसमीका को समीकरण के रूप में रखेंगे, बराबर तीन। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करें। इसके लिए टेबल बनानी है दो नंबर, आप दो नंबर टेबल बनाएंगे, ये एक्स बराबर तीन वाई इधर भेज दो, किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप रखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर जीरो रखने पर, तो जीरो बराबर तीन प्लस वाई, तीन इधर लाओ, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। जीरो में तीन घटाएंगे, माइनस तीन वाई, तो एक्स का जीरो वाई का माइनस तीन। फिर और वैल्यू रखते हैं, एक्स बराबर एक रखने पर, तो देखो इसमें रखे x की जगह एक बराबर तीन प्लस वाई, एक तीन इधर लाओ, किस चीज का हो जाएगा? माइनस का बराबर वाई, घटाओ क्या बच गया? माइनस दो। तो x का रखा एक, y का माइनस दो। ठीक है, आप तीसरी वैल्यू x बराबर दो रखने पर, तो x की जगह दो, ठीक है, बराबर तीन प्लस वाई, तीन इधर आकर हो जाएगा माइनस,
बच गया माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू रखी है आपने, एक्स की वैल्यू क्या रखी, दो रखी ना, तो दो, और वाई का माइनस एक। इस प्रकार से हमने बनाई दोनों टेबल्स। आया समझ में क्या आपको आए? चलो तो अब हम इसका ग्राफ तो बना लेते हैं, ठीक है? चलो ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्स वाई एक्स, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ये मूल बिंदु जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर आ गया। पैमाना लिखते हैं, एक सेमी बराबर एक इकाई। अब देखो यहां पर दो समीकरण थी, दो तालिकाएं हैं, दोनों को अलग अलग दर्शाएंगे। एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की प्लस तीन, तो जीरो को प्लस तीन तक ले जाएंगे यही आएगा, फिर एक्स की वैल्यू एक वाई की चार, एक्स की एक और वाई की चार ये रही, एक्स की दो वाई की पांच ये रही, और इनको मिलाओगे इस प्रकार से रेखा बनेगी, ठीक है? चलिए अब दूसरी बनाते हैं, एक्स की जीरो और वाई की माइनस तीन, ये नीचे की तरफ रही माइनस तीन, एक्स की एक वाई की माइनस दो, एक्स की एक और वाई की माइनस दो, एक्स की एक और वाई की माइनस दो ये रही, एक्स की दो और वाई की माइनस एक, एक्स की दो और वाई की माइनस एक ये रही, और इनको अगर हम मिलाते हैं तो इस प्रकार से रेखा आती है। ये तो हमने दोनों रेखाएं खींच दी, अब देखना है संतुष्ट करता है या नहीं। तो पहली इक्वेशन आपकी ये थी, ये थी एक्स है माइनस है, ठीक है? तो आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो, तो वाई जीरो माइनस एक्स जीरो बड़ा है तीन से, जीरो छोटा है तीन से। अब क्या बता रहा है, तीन को बड़ा बता रहा है जीरो से, तो तीन जीरो से बड़ा होता है क्या? होता है। तो आप लिखते हैं, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या करता है, संतुष्ट। और जब संतुष्ट करता है तो इस रेखा की वैल्यू कहाँ आएगी, मूल बिंदु की तरफ। तो इस रेखा से मूल बिंदु किधर है, इधर ही है ना, इसकी वैल्यू इधर आएगी। इस प्रकार से इसका हल होगा। दूसरी देखो, दूसरी सर्वसमिका में ये था, क्योंकि हमने मॉड्यूल्स हटाए थे, एक पर प्लस में लिखा था, एक पर किस में लिखना है, माइनस में, तो माइनस वाई प्लस एक्स थ्री, तो जीरो जीरो वैल्यू रखो, तो जीरो छोटा है तीन से, सही बात है, जीरो भी छोटा है ना, ये भी क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट करता है तो इस रेखा से मूल बिंदु कहाँ है, इस साइड में है ना, तो इसका हल किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब इन सर्व समीकरणों का हल इन दोनों लाइनों के बीच में होगा, इस प्रकार से हल होगा। आया समझ में? तो अब आप प्रश्नावली 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप प्रैक्टिस करोगे, कोई नहीं आता है तो मुझे मैसेज करोगे और मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।